हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में आज के हमारे प्रीमिक्स में हम एंशंट इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए पांच क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयरस यूपीएससी प्रेम में आ चुके हैं राइट तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन लॉर्ड बुद्ध इमेज शोन समटाइम्स विद हैंड जस्ट कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा तो ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ये क्या सिंबलाइज करती है ऑप्शन है आपके सामने बुद्धस कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा And to prevent Mara from disturbing his meditation. Dusra, Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. tisri Buddha's reminder to his followers what they all that they all arise from the earth and finally dissolve into the earth, and thus life is transitory. Yafir D, both these statements A and B are correct. इसका सही जवाब डिस्कस करेंगे आप पॉज करके एक बारी स्टेटमेंट्स दोबारा पढ़ सकते हैं सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि सही जवाब क्या है इसका आंसर है करेक्ट आंसर है बी कॉलिंग ऑफ कॉलिंग द कॉलिंग मदर अर्थ टू विटनेस हिस प्योरिटी राइट तो कहानी क्या है तो कहानी यह है कि बुद्ध स्क्रिप्चर्स में मारा जो है डीमन किंग है विथ सिंबलाइजेस डेथ अब मारा थ्रेटन्स पीपल हुईनमेंट तो गौतम बुद्ध चल गए एनलाइटनमेंट सीक करने अब वो बैठे थे बोधी ट्री के नीचे तो मारा ने कहा कि ये जो सीट ऑफ एनलाइटनमेंट है इस पर मेरा हक है और तुम्हारा नहीं है और बुद्ध को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सीड्यूस करने के लिए ही सेंटेज डॉटर्स बट सिद्धार्थ वॉज प्रिंस प्रिंस तो नहीं थे गौतम सिद्धार्थ वॉज अनमूवड देन मारा सेंट इज डिमोनिक आर्मीज टू अटैक हिम उनकी आर्मी ने भी यही कहा कि इस गद्दी पे राइटफुल क्लेम है जो सीट ऑफ एनलाइटमेंट इस पर राइटफुल क्लेम लॉर्ड मारा का है तुम्हारा नहीं है यू डोंट इवन हैव एनी वन टू बेयर विटनेस टू वॉट यू आर डूइंग तो गौतम सिद्धार्थ टच डाउन दी अर्थ टू बी हिज विटनेस कहा कि उन्होंने राइट right हैंड अपना फैला के धरती से छुआ और कहा कि मदर अर्थ आई आस्क यू टू बी माई विटनेस एंड देर वॉज अ रोर फ्रॉम दी अर्थ अल्फ आई बेर योर विटनेस राइट तो ये कहानी है भूमि स्पर्श मुद्रा की दैट मदर अर्थ वॉज अ विटनेस दैट गौतम सिद्धार्थ वॉज एबल टू फाइट ऑफ और कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम दी

कर्म इज द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड आप पॉज करके दोबारा पढ़े स्टेटमेंट और कोशिश करें अप्लाई करने की अपनी नॉलेज की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं आंसर है डी वन टू थ्री तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कोर्स जैनिज्म तो एडवोकेट करता है कि पेनेंस प्रैक्टिस करो उनका यह भी एक डॉक्ट्रिन है कि एवरी आ, पार्टिकल हैज अ सोल देन तीसरा वो ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे अगर आप अच्छे एक अच्छी जिंदगी जिएंगे पेनेंस के साथ जिएंगे तो आप अपनी सोल को मुक्ति प्राप्त करवा सकते हैं मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं और जो आप कर्म करते हैं इसके चक्कर में फंसे रहते हैं तो आपकी जो सोल है उसको मुक्ति नहीं मिल पाती तो सोल को मुक्ति प्राप्त करवाना इज द अल्टीमेट एम तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं राइट जैनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देन तीसरा क्वेश्चन बुद्ध के जीवन के साथ इनमें से कौन सी किंगडम्स एसोसिएटेड थी आपके सामने चार किंगडम्स दी हैं अवंती गंधरा कोशला और मगध आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एसोसिएटेड थी आप याद करने की कोशिश कीजिए अपनी नॉलेज अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब आपके साथ डिस्कस करते हैं करेक्ट आंसर है सी थ्री एंड फोर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2014 एंड 2015 दोनों के प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर्स में आया अब मान लीजिए कि 14 का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी करेक्ट आंसर की भी निकाल देता है यूपीएससी अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो जाहिर सी बात है कि शायद आप 15 में भी यही सेम क्वेश्चन गलत कर देंगे तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और उनकी जो आंसर कीज हैं यूपीएससी द्वारा दी गई वो मैच करके एक बारी पढ़ना जरूर अब अवंती तक बुद्ध कभी गए नहीं मगध गंधरा तक कभी गए नहीं कोशला और मगध दोनों किंगडम्स के साथ जुड़े हुए थे जन्म हुआ लुम्बिनी में कोशला किंगडम डेथ कुशीनागरा मगध किंगडम और दोनों किंगडम्स कोशला और मगध में इन्होंने बहुत अपना जीवन व्यतीत किया टीचिंग हिज फिलॉसफी राइट गंधरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक कभी गए नहीं और अवंती तक भी कभी नहीं गए तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती हैं राइट मूविंग ऑन अगला क्वेश्चन श्रेणी के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हैं तीन स्टेटमेंट हैं एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद देंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन दम दूसरा वेजेस रूल्स ऑफ वर्क एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड तीसरा इट हैड जुडिशियल पावर्स ओवर इट्स मेंबर्स अगेन पॉज कीजिए तीनों स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए एग्जिस्टिंग नॉलेज अप्लाई करने की कोशिश कीजिए आपने श्रेणी के बारे में पढ़ा हुआ है राइट right? हो सकता है आपने ये तीनों लाइंस डायरेक्टली नहीं पढ़ी हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है श्रेणीज के बारे में उनके अकॉर्डिंग गेस कीजिए कि क्या सही आंसर होना चाहिए इसका आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं आंसर है डी ऑल ऑफ तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं श्रेणीज जो थी एसेंशियली वर यूनियंस डेवलप्ड बाय डेवलप्ड बाय क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स एंड दे परफॉर्म्ड सिविरल फंक्शन इंक्लूडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग रेगुलेटिंग ट्रेड सपोर्टिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल सेलिंग प्रोडक्ट्स एज अ बैंक भी फंक्शन करते थे राइट right? तो जो लोग हैं वो अपनी जो भी किसी एक्टिविटी में जुड़े होते थे वो उस श्रेणी के साथ जुड़ जाते थे एक मेम्बरशिप वाली फीलिंग आती थी और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए कोई हेल्प चाहिए कोई लोन चाहिए वो भी आपको ये श्रेणीज ये गिल्ड्स प्रोवाइड करवाती थी राइट तो ये थी श्रेणी के बारे में कहानी अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आज का कर डिस्कस करते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में कॉमन क्या क्या एलिमेंट्स थे तीन आपके सामने हैं पहला अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ फाइनेंस एंड एंजॉयमेंट दूसरा इनडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ द वेदासिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स राइट आपके सामने ऑप्शन हैं ये आपको बताना है कि इन तीन में से कौन सी वो चीजें हैं जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को कॉमन है राइट आप अगेन पॉज कीजिए तीनों स्टेटमेंट पढ़िए अपनी नॉलेज अप्लाई कीजिए और सोचिए कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका आंसर आपके साथ अब डिस्कस करते हैं करेक्ट आंसर है बी टू एंड थ्री तो इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास बिल्कुल सही बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों डिफाई करते थे डिनाइल ऑफ ऑफ रिचुअल्स बिल्कुल ठीक दोनों डिनाई करते थे पहली स्टेटमेंट अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनास एंड एंजॉयमेंट यह बात सिर्फ बुद्धिज्म एडवोकेट करता था जैनिज्म नहीं जैनिज्म तो एडवोकेट करता था कि आपको पेनांस करना चाहिए एक्सट्रीम पेनांस और एसेटिज्म एडवोकेट करता था जैनिज्म बुद्धिज्म जो था वो मिडिल पाथ एडवोकेट करता था विच मेंट अवॉइडिंग द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनास एंड एंजॉयमेंट वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनिज्म सॉरी नॉट बुद्धिज्म तो ये थे आज के प्रीमिक्स के पांच क्वेश्चन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक के हिस्ट्री के प्रीमिक्स के पांच क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग